हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एक्चुअली आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। भलो अगर मैं करो कौन है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री फायर के अंदर आने वाले मज़ेदार कुछ इवेंट्स और अपडेट्स की फुल डिटेल। तो यार वीडियो को यार लास्ट तक भलो को जरूर देखना और रिडीम कोड लेना ना भूलना। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जो भाई इस चैनल में नए हों उनका वेलकम, और जो भलो पहले इस चैनल से जुड़े हुए उनका वेलकम बैक। तो चलो यार भलो बिना टाइम नहीं गवाते हैं और यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यार क्विक फॉर्म में बता देता हूं आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्समेट की इंक्यूबेटर जो क्या कहते हैं स्किन है वो कंफर्म हुई है या नहीं हुई है, और साथ ही साथ एफएफ टोकन जो यार नेक्स्ट एफएफ टोकन में ड्रेस देखने को मिलेगी उसके बारे में, साथ ही साथ यार नेक्स्ट लक रॉयल क्या देखने को मिल सकता है उसके बारे में, और यार कैसे यार आपको फ्री में डीजे आलोंग मिलने वाला है उसके बारे में, ठीक है। और भी यार बहुत सारे यार एक दो अपडेट्स हैं उनके बारे में मैं आपको कवर करूंगा। तो यार और हाँ फ्री इमोट आपको कैसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो यार बेसिकली यार बहुत से यार इवेंट और अपडेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। और भाई जो चैनल में ना हो ये आई थिंक कह चुका हूं तो यार दोबारा कहने का फायदा नहीं। अब चलो सीधे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपको एक एक करके सारे इवेंट की फुल डिटेल बता देता हूं। तो यार सबसे पहले यार बात करेंगे यार कुछ यार बहुत ही मज़ेदार वाला अपडेट यार हमें यार OB24 के साथ ट्रेनिंग रूम के अंदर देखने को मिलने वाला है उसके बारे में। तो यार आप लोग ये वीडियो देख सकते हो, इस वीडियो में आप लोग देख सकते हो जो यार नेड है उसके यार क्या कहते हैं जो नेड होता है ना उसमें यार अभी यार टाइमिंग चलने लगी है। बेसिकली यार 5 सेकंड की टाइमिंग होगी, ये यार पबजी की तरह अब नेड कर दिया गया है कि अगर आप यार नेड 5 सेकंड तक नहीं फेंकोगे तो यार वो आपके हाथी में फट जाएगा, और यार अगर हमने जहाँ तक भी फेंका वो वहीं पर फूट जाएगा। आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हो। तो यार ये OB24 के साथ ही आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक ये अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने कवर नहीं किया है। बहुत ही बड़ा अपडेट है पर अभी तक शायद किसी ने कवर नहीं किया है, ठीक है। शायद करा भी हो यार, मैंने तो यार अभी तक किसी की भी वीडियो नहीं देखी। तो यार अब नेट में यार आपको टाइमिंग देखने को मिलेगी। तो आपको ये अपडेट यार कैसा लगा, क्या आप नेट में यार टाइमिंग चाहते हो या नहीं चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना मुझे। तो यार मैं तो चाहता था कि भाई ना ही आए, पर आ गई तो यार बहुत ही सही है। इससे अब गेम में यार एक चीज़ और मजा आएगा कि अब भाई नेट जैसे नहीं बहुत लोग यार ले रहते हैं ऐसे दूर दूर तक यार फेंकते रहते, तो अब आपके पास एक लिमिटेड टाइम होगा 5 सेकंड तक। अगर आप 5 सेकंड तक यार नेट को नहीं फेंकते हो तो यार वो आपके हाथ ही में फूट जाएगा, ठीक है। मतलब टोटली यार रियल लाइफ की तरह थोड़ा थोड़ा कर दिया है, ठीक है। तो अब चलो यार इसी साथ बढ़ेंगे यार अपने अगले अपडेट की तरफ। तो जो अगला अपडेट सामने आ रहा है वो आ रहा भाई कैसे आपको फ्री में इमोट देखने को मिलेंगे उसके बारे में। तो OB24 में यार आपको यार पता हो या ना पता हो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कि यार आपको एक इवेंट देखने को मिलने वाला है, बोया इवेंट। तो बोया इवेंट में यार आपको यार ये जो दो इमोट दिख रहे हैं, ये यार पहला जो ऐसे CS वाला और एक यार ये बोया वाला है, तो यार इसमें यार आपको ये दोनों इमोट में यार कोई भी एक इमोट फ्री में देखने को मिल सकता है या दोनों भी देखने को मिल सकते हैं। पर आई थिंक यार ये जो चीयर कर रहे हैं ना गर्ल, ठीक है, यही यार फ्री में देखने को मिलने वाला ये वाला इमोट, और ये जो बोया वाला ये इसलिए में देखने को नहीं मिलेगा ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि यार ये बहुत ही ओपी इमोट है, ठीक है। तो देखने को यार कुछ भी मिल सकता है इन दोनों ही में, लेकिन यार कोई एक इमोट फ्री में देखने को आपको 110% मिलने वाला है, ठीक है, ठीक है भाई लोग। तो यार आप लोग कमेंट करना कि आप लोगों को कौन सा इमोट यार लगता है कि भाई हमें फ्री में देखने को मिल सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है वो जो चीयर नहीं कर रहा है एक ये वाला इमोट, ठीक है। तो यार मुझे लगता है ये वाला इमोट यार आपको फ्री में देखने को मिल सकता है। तो चलो यार इसी साथ यार बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की कि यार आपको नेक्स्ट अपडेट क्या देखने को मिलने वाला है भाई लोग। तो यार आपको पता होगा मैंने पिछली वीडियो में यार कवर किया था कि यार आपको एक इंक्यूबेटर देखने को मिलेगा जो कि यार AUG9 का होगा, और मैंने कहा था कि यार भाई एक्समेट का मुझे कन्फर्म नहीं। तो यार भाई क्या कहते हैं जो डेटा माइनर होते हैं ना उनसे भी यार कुछ लीक में दिक्कत हो गई। कल उन्होंने यार एक मतलब वीडियो डालते हुए पूरा यार मतलब साफ किया है कि आप लोग यार ये वीडियो देख सकते हो, लेकिन यार आप लोग भी पहले बात कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोग ये देखो ये किस एंगल से भाई एक्समेट की स्किन लग रही है, भाई किसी भी एंगल से आप लोग बताओ स्किन लग रही है एक्समेट की। AUG9 से यार ये मिलती जुलती कहीं ना कहीं स्किन लग रही है, तो डेटा जो माइनर होते हैं उनको भी यार कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो गई थी, भाई मुझे भी हो गई थी, क्योंकि यार ये एक्समेट की स्किन नहीं है। और कहा जा रहा है भाई यही एक्समेट का इंक्यूबेटर होने वाला है, पर यार देखने में किसी भी एंगल से यार एक्समेट की स्किन नहीं लग रही थी, तो यार इसीलिए डेटा माइनर वालों को भी यार हो गया था कंफ्यूजन। पर यार अब कंफर्म कर दिया गया कि एक्समेट की आपको स्किन नेक्स्ट इंक्यूबेटर में देखने को मिलेगी। तो यार ये बहुत ही सही चीज़ है, और एक्समेट तो भाई यार ओपी गन में से आई गई है। जब से यार क्या कहते हैं किसी एक अपडेट आया था उसमें यार एक्समेट को बहुत ही ओपी कर दिया गया था, ठीक है। अब यार उसका इंक्यूबेटर आएगा तो भैया और ओपी हो जाने वाली है, ठीक है। और ड्रैगन एक क्यूबिट स्क्वायर का तो भैया एक जमाना था, वो इसका तो जमाना जा चुका है लोग। पहले यार भाई ड्रैगन एक और क्यूपिड स्क्वायर के कितने कितने डायमंड यार लोग वेस्ट कर देते थे, ठीक है। अब जो यार भाई मुझे नहीं लगता यार
कोई भी यूज करता होगा, वैक्सीमेट अगर मिल जाए, M14 मिल जाए, तो ड्रैगन एके और क्यूपिड स्कैन को तक लोग छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, आप लोग कमेंट करना आप लोग भी अगर ड्रैगन एके और क्यूपिड स्कैन में किसी का भी आज अभी तक यूज करते हो, तो यार इतना समझ लो कि यार ये इंक्यूबेटर में यार आपको जल्दी देखने को मिलेगी वैक्सीमेट की स्किन। ठीक है, वो यार थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, इसीलिए मैं सोचा ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं और ये 100% कन्फर्म हो चुका है। चलो यार बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की भाई लोग। तो जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है भाई FF टोकन से और नेक्स्ट गोल्ड रॉयल से रिलेटेड। तो यार आप लोग ये दो बंडल देख सकते हो, ये जो यार आपको इस समय वीडियो में देखने को मिल रहे हैं, कहा जा रहा है इनमें से यार ये दो बंडल में कोई भी एक गोल्ड रॉयल में आ सकता है और कोई भी एक FF टोकन में आ सकता है। अब भाई मुझे ऐसा लग रहा है जितने भी यूट्यूबर ने बताया आप लोगों को लगेगा कि वही आएगा, पर भाई देखो यार चेंजेस कुछ भी हो सकती है। ये जो दो यार बंडल दिख रहे हैं ना, इनमें से अगर ये वाला क्या कहते हैं क्रिकेट वाला गोल्ड रॉयल में आया तो यार ये जो निंजा रेड निंजा दिख रहा है ना ये आएगा FF टोकन में, और अगर FF टोकन में ये निंजा वाला आया तो यार आपको गोल्ड सॉरी FF टोकन में अगर ये क्या कहते हैं क्रिकेट वाला आया तो यार आपको गोल्ड रॉयल में निंजा वाला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यार अभी यार वो जो यार माना बहुत से यूट्यूबर बता रहे सही भी हो सकता है, मैं भाई किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, पर ऐसा चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यार अभी यार ये दो बंडल यार सामने आए तो यार भाई मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि यार एक यार कन्फर्म करना ऐसे यार क्या कहते हैं पहले तो यार मैं कन्फर्म कर दूंगा और बाई चांस यार आया नहीं तो यार एक गलत इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है भाई, तो यार इसीलिए यार मैं सोचा यार आप लोगों को दोनों बंडल दिखा देता हूँ कि यार भाई ये दोनों बंडल यार आपको यार देखने को मिलने वाले हैं। पर हाँ एक चीज यार रखना, अगर वो गोल्ड रॉयल में आए क्रिकेट वाली एड्रेस तो यार ये आएगा FF टोकन में, और अगर वो FF टोकन में आए तो ये आएगा गोल्ड रॉयल में। ठीक है, यह अदली बदले हो सकता है, बस इतना आप लोग समझ लो। तो यार ये दो बंडल यार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलने वाले हैं, बेसिकली इतना आप लोग समझ लो। तो चलो यार इसी साथ बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की कि कैसे यार आपको फ्री में यार डीजे आलोक देखने को मिलने वाला है उसके बारे में। ठीक है, तो चलो यार उसकी तरफ बेसिकली हम लोग बढ़ते हैं। तो यार आपको डीजे आलोक फ्री में ऐसे देखने को मिलने वाला है, आपको यार प्रोसेस करना है इंस्टाग्राम वाला, जैसे कि मैंने बताया था सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पे दबा के मुझे इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट भेजना है। लेकिन यार इस बार कुछ अलग चीज़ है, इस बार यार भाई मैं उसी को दूंगा जो यार मेरी वीडियो हर दम देखता है। ठीक है, ऐसे यार मैं यार अब इस बार किसी को देने नहीं वाला हूँ। ऐसे बहुत लोग आके यार मुझे इंस्टा में कर देते हैं, ठीक है, अब और मैसेजेस भी मेरे ऑलरेडी यार चाहते हो, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई यार वो लोग यार प्लीज यार मैसेज मत करना जो यार मेरी वीडियो रेगुलर नहीं देखते। जो मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं मुझे कैसे पता चलेगा मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं, आपको मुझे अपनी जीमेल आईडी भेजनी होगी जिससे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपको देख लूंगा आप मेरा चैनल कितने समय से यार सब्सक्राइब करे हुए हैं। तो अगर यार आप मेरा चैनल कम से कम 15 दिन के अंदर अंदर से आप मेरी वीडियो देखते आ रहे हो तो यार मैं आपको 110% बाय डीजे आलोक सेंड कर दूंगा। ठीक है, और एक दिन में यार एक से दो ही बंदों को यार सेंड कर पाऊंगा। ठीक है, इसके लिए यार मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि भाई एक से एक दिन में 10-12 लोगों को देना इम्पॉसिबल है मेरे लिए, मैं तो भाई यार नहीं दे सकता। ठीक है, मैं हाँ धीरे धीरे करके मैं सबको दे सकता हूँ, पर एक साथ मैं किसी को नहीं दे सकता। और यार मेरे पास अभी बहुत से मैसेज है जिन बंदों को यार मैं दे चुका हूँ भाई डीजे आलोक। ठीक है, आप लोग भी यार भाई यार आके यार थोड़ा कमेंट कर दिया करो यार कि भाई अक्षय भाई थैंक यू यार मुझे डीजे आलोक मिल गया, तो यार मुझे भी यार अच्छा लगता है कि यार भाई और क्योंकि यार आप लोग डीजे आलोक लेके बैठ जाते हो पर यार भाई एक भी बंदा कमेंट नहीं करता। और ठीक है, तो आप लोगों को इतना करना, और भाई वो लोग यार प्लीज़ मैसेज मत करना जो यार मेरी वीडियो रेगुलर नहीं देखते हो, जिन्होंने बिल्कुल कल ही सब्सक्राइब किया है और आज या तो पहली बार वीडियो देख रहे हो, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखता हूँ पहली बार वीडियो देखेंगे और मुझे इंस्टा में कहेंगे भाई मैं आपको बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ। ठीक है, और जीमेल देना और स्क्रीनशॉट देना भाई ज़रूरी है, नहीं तो यार आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं हो पाओगे कि मैं ये बात मैं आपको बता दूँ। तो भाई यार आज की वीडियो यार यहीं तक रहेगी और आप लोग जल्दी जल्दी ये काम कर लेना। तो चलो यार मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम बाय बाय भाई लोग।